हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस, किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई है और मेरी ड्यू डेट क्या है, ये सब चीज़ें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। ऑलरेडी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का वीडियो जो है मेरे चैनल पे है, जिसको आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार दिया है, जिसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी कमेंट्स उसमें आए हैं, जितना मुझे पता है उस चीज़ के बारे में, उस हिसाब से मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। और बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स के ज़रिए आप लोगों से जुड़ के, आपसे बातें करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। सो अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसमें कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बताना भूल गई थी। कई बार क्या होता है ना, बहुत सी चीज़ें होती है माइंड में कि ये बताना है, बट जैसे ही कैमरा ऑन होता है सब दिमाग से निकल जाता है। तो वो जो चीज़ें उस वीडियो में रह गई थी वो मैं आज इस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बातें बहुत हो गई है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो अभी बात करते हैं कि मेरी ड्यू डेट क्या है। तो मेरी ड्यू डेट है 6 अप्रैल। अप्रैल में हमारा जो भी बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है वो हमारे साथ होगा, हमारे पास होगा। एंड अप्रैल में ही मेरी शादी को 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और अब भी जो है मुझे 7 मंथ चल रहा है, 8, 9, 2 मंथ्स बचे हैं। तो आप लोग भी मेरे लिए प्रे कीजिए कि सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो आगे। तो अब बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि मुझे मेरी प्रेगनेंसी में ऐसा कोई भी सिम्टम्स नहीं मिले थे जिससे कि मुझे पता चले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऑनली स्पॉटिंग हुई थी, तो 29 जून जो है मेरी लास्ट पीरियड की डेट थी। जुलाई में जो है 23 को मुझे स्पॉटिंग हुई, मैंने पूरा दिन वेट किया था, डेट नहीं आई थी। नेक्स्ट डे भी स्पॉटिंग हुई हल्की सी, एंड उसके नेक्स्ट डे भी फिर मुझे हल्की सी स्पॉटिंग हुई थी। तो 26 को जो है हमने टेस्ट किया, मतलब 29 की मेरी डेट थी और 26 को हमने टेस्ट किया था अपनी डेट से 4 दिन पहले, और वो पॉजिटिव आया था। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हो तो एक बार अपने पीरियड मिस हो जाने के 2-3 दिन बाद है आपको जो है टेस्ट करना चाहिए बेटर रिजल्ट के लिए। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आप 2-3 दिन पहले कर लोगे तो टेस्ट में नेगेटिव आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप कर लेते हो तो वो पॉजिटिव ही आएगा, मेरे केस में तो ऐसा हुआ है, इसलिए मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद फिर जब हम डॉक्टर के पास गए, जब हमने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली थी, उनको ये सारी चीज़ें हमने शेयर की थी, तो फिर मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था। क्योंकि उस टाइम पर और कोई ऑप्शन तो होता नहीं है पता करने के लिए कि आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, टेस्ट के अलावा जो है बीटा एससीजी जो ब्लड टेस्ट होता है उसके ज़रिए ही पता चलता है। तो मेरा वो हुआ था। उसके अलावा क्योंकि मुझे स्पॉटिंग हुई थी, उस टाइम पर हमें पता नहीं था कि मेरी प्रेगनेंसी कैसी है, हेल्दी है या नहीं है, अगर सारी चीज़ें अच्छी है आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो उस टाइम पर जो है डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगवाने के लिए बोला था। ये एक चीज़ मैं आपके आपको साथ उस वीडियो में शेयर करना मेरा रह गया था। तो डॉक्टर ने जो है मुझे वीकली इंजेक्शन लगवाने के लिए बोला था, 3 मंथ्स तक मुझे हर वीक इंजेक्शन लगे थे ताकि अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। एंड सॉरी गाइज, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो रही है इस टाइम पर, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो ये एक चीज़ थी जो मैं आपके साथ उस वीडियो में भूल गई थी शेयर करना। तो उसके अलावा जो है मेरे 3 मंथ्स बिल्कुल बढ़िया गए, अच्छे गए हैं। उसके अलावा अब मैं बात करूँ कि मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर कैसा गया है। तो देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है, जो भी होती है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है सबका बढ़िया जाता है, तो मेरा भी एकदम बढ़िया गया, मस्त गया, खाते पीते हंसते खेलते जो है गया है मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर भी। बस जो है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा जो है बढ़ती जा रही है, जो कि डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि टाइम के साथ साथ ये बढ़ती जाएगी। सेकंड जो चीज़ में अभी मेरे साथ हो रही है वो है बैक पेन। मेरा बैक में जो है बहुत ही ज़्यादा वाला पेन अब रहने लग गया, मतलब कभी कभी तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि मुझे चलने में भी दिक्कत होती है। अगर मैं लेट जाती हूँ तो मुझे मतलब खड़े होने में भी दिक्कत हो रही है, तो बैक पेन बहुत ज़्यादा मेरा बढ़ गया है। वैसे मेरे को नॉर्मली भी बैक पेन रहता था, अगर जब मैंने कंसीव नहीं किया था तब भी मुझे बैक पेन था, बट टाइम के साथ साथ ये बढ़ता जा रहा है। तो इसका तो है जो है डॉक्टर ने जो है मुझे योगा वगैरह करने के लिए बोला, जिससे कि थोड़ा आराम मिल जाए, और जो वाटर बैग होता है उसे सिकाई करने के लिए बोला। तो वो दोनों ही चीज़ें मैं करती हूँ, बट इतना आराम तो नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो ये एक चीज़ मेरे साथ हो रही है। और सेकेंड जो है मेरे साथ हो रहा है वो है
स्टमक पेन जब स्टार्टिंग में ये हुआ था तो मुझे बहुत डर लगा था यार, ये अभी क्यों हो रहा, अब तो नहीं होना चाहिए स्टमक पेन। तो फिर मैंने काफ़ी पढ़ा, काफ़ी वीडियोस देखे, अपनी डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि कई वुमेंस को ये होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका बेबी ग्रो करता है तो आपके यूट्रस का साइज धीरे धीरे बढ़ता है, तो कई वुमेंस के जो है स्टमक पेन रहता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। जब डॉक्टर ऐसे बोलते हैं ना कि नॉर्मल है तो दिल को इतना तसल्ली मिलती है, इतनी सुकून मिलती है कि हाँ ठीक है सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो ये चीज़ें जो है मेरे साथ अभी तक हुई है, बाकी सब ठीक है, मुझे कोई स्वेलिंग वगैरह अभी तक नहीं हुई है, पैरों में दर्द या कुछ भी क्रैम्प वगैरह ऐसा अभी तक तो मेरे साथ नहीं हुआ है। बाकी अभी भी 2 महीने बचे हैं, कुछ भी कहना अभी सही नहीं है, तो 2 महीने अभी भी बचे, देखते हैं ये 2 महीने मेरे कैसे जाते हैं। बाकी 7 महीने मेरे बिल्कुल अच्छे गए हैं, मतलब मैं प्रे करती हूँ कि सभी की प्रेगनेंसी इसी तरीके से जाए, बिल्कुल हंसते खेलते नहीं। तो मैंने कईयों को देखा है बहुत प्रॉब्लम फेस करती है कई वुमेंस जो है अपनी प्रेगनेंसी में। बाकी जो है एक एक चीज़ ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि मुझसे कोई पूछता है कि आपने कितने अल्ट्रासाउंड अभी तक करवा लिए, तो मेरे अभी तक 3 अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं, एक बच्चा जो कि 1 मंथ में होता है। तो कई बोलते हैं अरे इतने अल्ट्रासाउंड क्यों करवाए, इतने अल्ट्रासाउंड नहीं कराने चाहिए, बेबी को नुकसान पहुंचता है, ऐसा होता है वैसा होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टोटल जो है प्रेगनेंसी में 4 स्कैन होते हैं, आपको ज़रूर कराना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्कैन कराने से आपके बेबी को जो है नुकसान पहुंचता है, बल्कि इनफैक्ट इससे आप ही को पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी किस तरीके से है, नॉर्मल है, हेल्दी है, आपका बेबी की ग्रोथ मतलब अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है। अल्ट्रासाउंड आपके लिए ही अच्छा है, आपके बच्चे के लिए ही अच्छा है, आपको चीज़ें पता चलती है, आप अपने बच्चे को देख पाते हो, उससे जुड़ पाते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ मेरे साथ हुई थी, जो मेरा लेवल 2 स्कैन था जिसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो वहाँ पर एक पेशेंट आया था जिसने अपना एंटी स्कैन नहीं करवाया था, ये बहुत ही ज़रूरी स्कैन होता है, आपको ज़रूर कराना चाहिए, तो उसने वो नहीं करवाया था। तो जब वो उसका लेवल 2 स्कैन हुआ तो उसके बेबी मतलब उनके बेबी में कुछ दिक्कत थी, तो डॉक्टर भी उनको यही बोल रहे थे कि अगर आपने ये पहले करा लिया होता तो पहले ये चीज़ हमें पता चल जाती, क्योंकि क्या होता है ना अगर शुरुआत में ही हमें चीज़ें पता चल जाए तो डॉक्टर उसको अच्छे से ट्रीटमेंट दे पाते, बट अगर वही चीज़ हमें थोड़ा लेट पता चले तो डॉक्टर के पास भी ऑप्शन कम रहते हैं। इसलिए आपको जैसे जैसे आपके डॉक्टर बोलते हैं आपको ज़रूर करना चाहिए। ये टोटली मिथ है कि अल्ट्रासाउंड कराने से आपके बेबी को नुकसान पहुँचता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।